निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 26 अप्रैल को मतदान के दिन तमाम लोगों ने बायतू को पूरे तरीके से तालिबान बना दिया था। कई अप्रिय घटना हुई जिसकी मैं निंदा करता हूं। बायतू विधायक हरीश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि नेताजी ने धरने पर बैठकर साजिश और षड्यंत्र किए, लेकिन नाकाम रहे। भाटी ने कहा कि 4 जून को ऐतिहासिक परिणाम आएगा, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता जीतेगी। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को मैंने कई सारे ऑब्जेक्शन उठाए थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक होकर काम कर रही थी। मेरी रिपोलिंग एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया है, शिकायतों को दोबारा संज्ञान में लेकर आएंगे, जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग तक जाएंगे। तमाम जगह जहां पर धांधली हुई है वहां पर रिपोलिंग होनी चाहिए। दरअसल भाटी बुधवार को बाड़मेर लोकसभा सीट के बूथ संख्या 50 दुधवा खुर्द पर पहुंचे थे, जहां गोपनीयता भंग होने की शिकायत पर बुधवार को रिपोलिंग की जा रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक मतदान अगर कहीं हुआ है तो बाड़मेर सीट पर हुआ है। वाकई लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भाटी ने कहा कि प्रशासन को काफी शक थे, मैंने कई सारे ऑब्जेक्शन राइज किए थे, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। मेरी रिपोलिंग एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया है, जो शिकायतें थी उन पर प्रशासन ने विचार नहीं किया था। तमाम जिन जगहों पर धांधली हुई है वहां पर रिपोल होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल भी बूथ पर पहुंचे थे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से भी मुलाकात की थी। मतदान शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, अब देखना होगा 4 जून को जनता की पसंद क्या है, इसका खुलासा हो जाएगा।